ओ भाई रईस गांव, ओ पीएल गांव। और जो आलिम भाई बता रहे हैं कि यार यहाँ से कोई रास्ता है, वहाँ से जाना पड़ेगा। लेकिन अगर इस पे यार ये लोग बाइक अलाउ कर देते ना तो मजा आ जाता यार, पूरा खोल देता पूरा। समझ गया। तो इन्होंने बोला है कि यार वहाँ पे लोकेशन बढ़िया है रईस भाई, तुम भी एक बार चलो। हे गाइस, वेलकम बैक टू रईस अलवरिया। तो कैसे हो भाई लोग, आई होप कि सारे भाई बढ़िया होंगे। आज मैं आपको दिखाऊंगा गाइस अपने देश का सबसे बड़ा हाईवे, यानी इंडिया का सबसे बड़ा हाईवे दिखाऊंगा मैं आपको। मेरे साथ में और अपना शेरा है, इसको मैं प्यार से शेरा बोलता हूँ क्योंकि मैं सलमान खान हूँ। अबे साले तभी और ये है शाहरुख खान। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। तो भाई चलते हैं, एक दोस्त और आ रहा है आसिफ, उसको भी शायद वहीं पे दिखाऊंगा मैं आपको। शाहरुख है, आसिफ भाई है, आसिफ भाई की बुलेट चला रहे हैं अपने शेरा आलिम पहलवान। तो देखते हैं वहाँ पे क्या सीन है। ये लोग क्या है वहाँ पे जाते हैं चाय पीने के लिए, वहाँ पे कोई होटल वोटल है कुछ ऐसा कुछ टाइप है, मैं नहीं गया हूँ, ये लोग जाते हैं वहाँ पे। तो इन्होंने बोला है कि यार वहाँ पे लोकेशन बढ़िया है रईस भाई, तुम भी एक बार चलो और वहाँ का ब्लॉग शूट करो। और ये जो हाईवे का, इसमें फिर बता दूँ, ये अपने देश का सबसे बड़ा हाईवे है, दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेस वे हाईवे इसको बोला जाता है। एक्चुअली क्या है, अपने शेरा को क्या है बुलेट ही शूट कर दी है। देख रहे हो एक बार चेहरा दिखाता हूँ आपको, छपरी लग रहा है, हेलमेट नहीं है। यहाँ से स्टार्ट होता है हाईवे, आप देख रहे हो ना वो पूरी लेंथ, बाकी बाइक चढ़ाना इसको ऊपर अलाउड नहीं है। आलिम भाई बता रहे हैं कि यार यहाँ से कोई रास्ता है, वहाँ से जाना पड़ेगा। सो गाइस, अभी अपन चल रहे हैं ग्रामीण एरिया के रोड पर, इनको ये रोड के कहीं नज़दीकी खड़ा करेंगे और फिर ऊपर जाएंगे उस होटल पे। अभी अपन चल रहे हैं एकदम कच्चे रास्ते पर, देख रहे हो गाइस, चाय का चस्का देख रहे हो इन लोगों का, और मैं भी आप लोगों के लिए आ गया इनके साथ। गाड़ी जो है पानी में से निकल के जा रही है, निकल गई पानी से। सो फाइनली भाई लोग अपन पहुंच गए लोकेशन पे। यार यहाँ पे तो लोग आते हैं बाइकों से चाय पीने के लिए, ये है बाइक लेने का डिसएडवांटेज, क्योंकि ये लोग क्या हैं बाइक को क्या अलाउ नहीं कर रखा ऊपर। हाँ भैया लगा दूँ, हाँ भैया लगा दिया मालिक। सो फाइनली भाई लोग अपन आ गए ऊपर, एक परली तरफ होटल बना हुआ है और एक इस तरफ होटल बना हुआ है। एक बार मैं आपको यहाँ का रोड्स दिखाता हूँ गाइस किस तरीके के हैं। देखो वैसे पहले भी जब इस रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा था ना, हम इन रोडों पर ड्रेक कर चुके हैं, काफ़ी बार आ चुके हैं, लेकिन अभी क्या है इन पे बाइक क्या है अलाउड नहीं है। इस रोड के ऊपर सिर्फ फोर व्हीलर अलाउड है। और गाइस इस रोड को जाना जाता है मुंबई एक्सप्रेस वे हाईवे रोड, तो आप देख सकते हो ट्रक्स वगैरह जाते हुए मस्त एकदम। लेकिन अगर इस पे यार ये लोग बाइक अलाउ कर देते ना तो मज़ा आ जाता है यार, पूरा खोल देता पूरा। अच्छा ये यहाँ का टी स्टॉल है, नाम क्या है इसका, अरे नाम ही नहीं है। तो जलना पड़ेगा। सो गाइस चाय वहाँ से ले ली है और अपन बैठे हैं इस होटल के गार्डन के अंदर। आसिफ भाई चाय कैसी लगी आपको यहाँ? शानदार थी। तो गाइस अपने पहलवान जी थोड़ी प्रैक्टिस करते हुए, जिम की खास जरूरत, देखें किस तरह से कर रहे हैं वो। कुछ भी ना, नॉर्मल है, नॉर्मल। तो मैं करके दिखाऊं, चल जाऊंगा तीर पर। तो भाई सब अपन करके देखते हैं कर पाता हूं। एक-एक चल, एक-एक। ओ भाई रईस गांव, ओ पीएल गांव। और जो मेरा आ जा तू भी आ जा, फिर बड़ी होनी। मैंने भी कर दिखाया गाइस, अब बारी है अपने एसआर के। जल्दी कर। नहीं, छेड़ो मत नहीं भाई, करने दो उसको। तो गाइस अब चल रहे हैं अपने जुबेरे मेले, पैर नहीं टिक रहे हैं, कभी आप ये लोग समझो कि पैर टेक रहे हैं। सो गाइस यहाँ पर क्या है, हमें हो गई है रात और अब यहाँ से खाना वाना खाकर ही निकलेंगे। सारे भाई बैठे हुए हैं, खाना ऑर्डर कर दिया, आप देख सकते हो खाना वाना। सो फाइनली भाई लोग खाना वगैरह अपन ने खा लिया है और
ये अपने साथ ही खड़े हुए हैं और अब निकलते हैं यहाँ से फटाफट, अपना सेहरा आ रहा है उधर से, और वहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, नीचे वहाँ पे खड़ी हुई है अपनी बाइक। होप करता हूँ ये वाला ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, तब तक के लिए राइड सेफ एंड लाइफ सेफ, बाय।